तो ठीक है भाई, रेडी तो हो गए हो, लेकिन जा कहाँ रहे हो? सो टुडे इज 15 फरवरी, आज 15 फरवरी है और हम लोग अभी जा रहे हैं पीजी कॉलेज। क्या करने? स्टूडेंट पावर सो करने। तो आज क्या होने वाला है तो व्लॉग में देखते जाओ, समझ जाओगे। इग्नोर करना, जो स्टार्ट करने से पहले बता दो आज क्या हो रही है। तो गाइस आज हम लोग जा रहे हैं पीजी कॉलेज, जा रहे हैं घेराव करने, एक टाइप का घेराव टाइप से, क्योंकि यार हम लोगों को चाहिए ऑनलाइन एग्जाम, मतलब एग्जाम ऑफलाइन होने वाला है बोल रहे हैं, जबकि कॉलेज में पढ़ाई कंप्लीट हुआ नहीं हम लोगों का, उसके बाद भी ऑफलाइन एग्जाम होगा बोल रहे हैं, इसलिए हम लोग ऑनलाइन एग्जाम की मांग करने के लिए ग्रुप बना के जा रहे हैं पीजी कॉलेज। ठीक है, सो आगे देखते जाओ क्या होता है। नहीं बोल रहे हैं, हमारे दिवाकर भी हैं, हमारे लीडर हैं। एक साल का सवाल है, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि अभी अक्टूबर से ही हमारा कॉलेज खुला है, उससे पहले से शायद ही कोई कॉलेज होगा खुला होगा। नवंबर चला है, दिसंबर में फिर बंद हो गया, इसलिए ओमनी कोरोना आ गया, और उसके बाद फिर जनवरी में तक पूरा बंद रहा। भाई देख, बड़े लोगों का क्वेश्चन आता है कि बच्चे लोग, मैंने बच्चे लोग ऑफलाइन एग्जाम कर सकते हैं तो हम लोग क्यों नहीं दिला सकते कॉलेज वाले करके? क्यों, बिल्कुल कर सकते हैं, और इसलिए करना ही चाहिए, क्योंकि अभी सेमेस्टर वालों का हुआ है ऑनलाइन एग्जाम, तो हमारा फाइनल वाले भी हैं सब, तो इक्वालिटी रखना चाहिए ना, पहले मेन तो इक्वालिटी है ना, तो हमको भी ऑनलाइन एग्जाम चाहिए। जब सेमेस्टर वालों का हो सकता है तो हमारा फाइनल वालों का भी होना चाहिए ऑनलाइन एग्जाम। अभी गवर्नमेंट की कोई भी ऐसी पॉलिसी नहीं निकली है जिसमें कि हमको कहा गया हो कि आपका अगर किसी बच्चे को कोरोना हो जाए या फिर आगे बच्चा एग्जाम ना दे पाए कोरोना के कारण, तो क्या ऐसी कोई पॉलिसी निकली है जिसके कारण फिर बच्चा आगे अपना बना पाए भविष्य? सप्लीमेंट्री आ जाएगा, फेल हो जाएगा बच्चा, उसके बाद फिर कुछ नहीं, ठेंगा मिलेगा हमको, है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। और फिर सबको अभी हमको प्रदर्शन करना है, हमको ऑनलाइन एग्जाम करवाना है, इसलिए सब कोई जैसी शिक्षा वैसी परीक्षा। दादू अभी ये इसलिए ऑनलाइन एग्जाम दिया जा रहा है क्योंकि हर बार हर बच्चे फेल होते हैं, सप्ली आते, तो पता है आपको कि एक सप्ली का रिचेकिंग का कितना देते हैं? 300 रुपए, और ही सप्ली का 600 रुपए, तो एक सब्जेक्ट कितना होता है? 100% में से अगर 50% बच्चे भी सप्ली रिचेकिंग आते ही हर साल, यहाँ तक मैं फर्स्ट ईयर में था तो 50% बच्चे आए थे, तो हर बार इन लोग पैसा खा नहीं पा रहे, तो इस बार खाना चाहते हैं पैसा, हर बार यूनिवर्सिटी यही मेहरबानी करती है।
ये तो हमारा व्लॉग प्लस और वीडियो भी बनाना शक्ति प्रदर्शन सभी उग्र बढ़ा आंदोलनों का। अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती तो हम बिलासपुर तक जाएं। ये तो हमारी खुद बहुत ही नम्र तरह से हमारी बात सुनी है, जिस तरीके से शांति से हमारी बात सुनी, अगर ये शांति की बात वहाँ तक हमारी जोश को और आंदोलन जो जाता है बिलासपुर तक और वो हमारी बात मानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो इसी तरीके से उग्र भाग में हम लोग वहाँ भी पहुँचेंगे और वहाँ भी अपनी मांग पूरी करेंगे हर कॉलेज और हर विद्यालय में। जी बिल्कुल। और ये शालीनता से अभी यहाँ पे हुआ, जो शालीनता से हमने टीचर से बात किया क्योंकि वो नम्रता से बात कर रहे थे तो ठीक है, लेकिन अब अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती तो हम अपना पूरा दिखा देंगे जो हम क्या है। स्टूडेंट पावर क्या होता है, NSY क्या होती है और किस चीज की हमारी मांग है ये उनको बता देंगे ताकि लोगों को भी पता चले कि शिक्षा के साथ खिलवाड़ करने का क्या मतलब होता है। मुझे तो लगता है टीचर सिर्फ इसलिए पढ़ाते हैं कि कोई बच्चा पढ़ करके शिक्षा प्राप्त करके नौकरी करे, जब तक ये सोच के साथ वो लोग ऐसा सोचते रहेंगे सोच रखेंगे ना तब तक हमारे भारत देश में नौकरी पैदा होगी माली कभी पैदा नहीं होगा। और जिस तरीके से अगर हमारी ये बात शांति से भी वहाँ नहीं पहुँचती है तो नरम दल की जगह गरम दल भी आएगा ये बात। अरे डीके भाई अभी तो आप कहीं और थे, अभी केक शॉप कैसे पहुंच गए? सो गाइस अपने कॉलेज में एक फ्रेंड है, उसका बर्थडे था, बहन बोल लो, एंड उसका बर्थडे था जो हम लोग एंड में सेलिब्रेट किए हैं। सो वॉच स्टिल एंड बहन का केक है। अबे अब मुंह पे मार दो, मुंह पे मार दो। जो भी नाम दीदी भैया। Give a damn about a hater when I feel like it. Not today, not today, not today, not tomorrow.